जे गरीब पर ही लोग राजनीति करेला नेता लोग गिरे लो। अमीर पर तो करी ना, जितना भी पार्टी बा वो गरीबे के नाम लेला आ कहीं गरीब के आज तक उत्थान ना भइल, खाना व्यवस्था भइल। यही जाए चमटोलिया बा, चमटोलिया में सारा लोग लेबर के काम करेला आ एगो सरकार के तरफ से कहीं वो गहुआ में स्कूल बा पढ़े खातिर ओकर व्यवस्था कैले बड़े दलित महादलित लोग बनावता हैं। जातीय जनगणना करा के विकास करी अपना वोट के राजनीति सब पर। जनगणना ये करवा करके ये अपने गले की हड्डी बनवा लिए हैं हाँ, और इन और ये लड़ाई झगड़ा करवाने का एक सुगुफा छोड़ दिया। जातीय जनगणना से कुछ होखे जाए वाला नहीं है, हमने के आपस में विद्रोह करावे का काम भी भइल बा। आगे इतना जाति के बढ़े, इतना जाति के बढ़े हैं, सरकार के घर में एक पहले से भी अंकड़ा बा कि कितना जाति के बिहार में कौन कितना जाति बा ये सब मालूम बा। कुल 27 गो बना करके महादलित दलित बना करके ओकर उत्थान नहीं के होत, ओकर उत्थान होके के चाहिए तब जाति गणना करा के ओकर उत्थान हुई। बड़ा बढ़िया हुआ कर रही है बीजेपी के संग रही है तो हाँ, ये जगह कि सारा काम जौन बा ठीक ठाक चलत रहो फिर अब काम शुरू हो गई बा। जौन जौन मन करता तौन तौन लोग अगर लड़ रही तू अगर साठ घाट ना रही तो डायरेक्ट बीजेपी के जीत हुई सरकार बीजेपी के बन रही था दल बदलू नेता एक बात कर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौर और मेरे साथ डार्क न्यूज भी है और मैं अभी बढ़हरिया क्षेत्र में हूँ और सिवान लोकसभा क्षेत्र में ही आता है बढ़हरिया और लोकसभा चुनाव भी होने वाला है और यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं और जातीय जनगणना भी हुई है उस पर भी बातचीत करेंगे तो बने रहिएगा। 24 के चुनाव होता है क्या कुछ कहें के कर काम अच्छा लगा लगे काम से कोनो मतलब नहीं है। बीजेपी के जी आई ओकरा के हमने के वोट देहब सन, हमने के जनता के सपोर्ट बा, अपना क्षेत्र में जितना लोग लौकता ये लोग सब लोग बीजेपी के सपोर्टर बा, बीजेपी के वोट दी। बीजेपी से क्यों आई सपोर्ट रही बिहार में? हाँ, बिहार में बीजेपी के सपोर्ट रही। जातीय जनगणना भाई लोगों पर कुछ कहें? फालतू काम बा, जातीय जनगणना से कुछ होखे जाए वाला नहीं है, हमने के आपस में विद्रोह करावे का काम भी भइल बा। आगे इतना जाति के बढ़े, इतना जाति के बढ़े हैं, सरकार के घर में एक पहले से भी अंकड़ा बा कि कितना जाति के बिहार में कौन कितना जाति बा ये सब मालूम बा। ये वो राजनीतिक बहाना बा कि जातीय जनगणना कराओ आ जनता में हो करो अपन वोट के राजनीति लोग करता। अच्छा, तो जातीय गणना से आपसी रोष बढ़ी? हाँ बिल्कुल, आपसी जो रोष बढ़ी हाँ, ऐसे है कि वो संख्या बोल देखी अपन कि हम ज़्यादा बानी जी कहा था नहीं कि जौन जातीय जनगणना बा ओकरा चलते जौन पिछड़ा वर्ग बाटे ओके मदद मिली, ओकर जौन नया काम बाटे योजना के लाभ मिली और नीति जौन बीजेपी बाटे वो कहता कि बाटे के काम होता। एक पहले जौन बा अति पिछड़ा पिछड़ा कुल 27 गो बना करके महादलित दलित बना करके ओकर उत्थान निके होत, ओकर उत्थान होके के चाहिए तब जाति गणना करा के ओकर उत्थान हुई। जे गरीब पर ही लोग राजनीति करेला नेता लोग गिरे लो। अमीर पर तो करी ना, जितना भी पार्टी बा वो गरीबे के नाम लेला आ कहीं गरीब के आज तक उत्थान ना भइल, खाना व्यवस्था भइल। यही जाए चमटोलिया बा, चमटोलिया में सारा लोग लेबर के काम करेला आ एगो सरकार के तरफ से कहीं वो गहुआ में स्कूल बा पढ़े खातिर ओकर व्यवस्था कैले बड़े दलित महादलित लोग बनावता हैं। जातीय जनगणना करा के विकास करी अपना वोट के राजनीति सब करता और कोनो खास बात नहीं। नीतीश जी पीएम बने के सपना देखा था नहीं क्या कहें रुआ? अरे वो तो ये खाली रेल मंत्री वहाँ के बन गई रहनी, अब एक बाद जब पहुँचे खातिर बड़ा मुश्किल बा, बहुत मुश्किल बा। ये देश के राजनीति हैं आ देश सेवा का राजनीति हो, वहाँ के बिहार में जौन सेवा कोई नहीं हो बड़ा बढ़िया वहाँ के रहनी है बीजेपी के संग रहनी है तो हाँ, ये जगह कि सारा काम जौन बा ठीक ठाक चलत रहो फिर अब काम शुरू हो गई बा। जौन जौन मन करता तौन तौन लोग करता अब सब हाँ, वहाँ का दल बदलू हो गई बनी कबू हमें से हमें से हमें वहाँ के राजनीति अपन तो मुख्यमंत्री बने ले बनी हमने ये कहा वोट देवे जाए सन हमने के तो बीजेपी को वोट दिला बनी सन अगर सिंगल बीजेपी अगर लड़ रही तू अगर साठ घाट ना रही तो डायरेक्ट बीजेपी के जीत हुई सरकार बीजेपी के बन रही था दल बदलू नेता एक बात करते लेके जाए दल बदल जाति जनगणना पर कुछ कहें? कुछ नहीं कह सकत कोई प्रभाव ना पड़े जाति गणना। यादव जी लोग के ज्यादा अथी बाटे जनसंख्या 1,50,00,000 डर और नहीं लगा रहुआ डर लगे हमने के एक संग रहल बनी सन हमेशा डर कहे लगे कहना बात का डर बा हाँ वो डर पैदा करावे कोशिश करता है लोग जातीय गणना करा के हाँ।
डर पैदा करा होता लोग का, लेकिन हो ही ना ना हमने यादव जी मानी क्या जी डरावत नहीं के ना ना हम क्या डरा हो जाएंगे, जनसंख्या और ज्यादा इससे का भाई जनसंख्या सब दिखावटी भाव है, दिखावटी भाव है। बीजेपी की सरकार आई है अभी बिहार में, आगे सर चुनाव हुई वो में बीजेपी सरकार बनी, सेंट्रल में बीजेपी सरकार बनी। तेजस्वी जी अच्छा नहीं लगा लागत तो नहीं, लेकिन अभी तो दिन दहाड़े गोली चलत अभी जाए सोच कर औरत गए बगल में ओजा गोली चलल का ऊपर अथी भाई कोनो एक्शन नहीं किया ऊपर तो अभी वहाँ के युवा बानी अभी बच्चा बानी का चल यहाँ के यादव जी भी बानी और कुशवाहा समाज के भी लोग हैं, सारे समाज के लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे हैं और सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। अभी कुछ कहिएगा, देखिए और लोगों से बातचीत करने की। चाचा स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जीतेश कुमार गिरी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, एक तरफ राहुल गांधी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? मोदी जी का तो कार्यकाल सबसे सुपर है, हाँ आज तक किसी ने ऐसा काम करवाया ही नहीं, हाँ जितना इन्होंने 10 सालों में करवा दिया, हाँ और आगे भी यही रहेंगे प्रधानमंत्री। हाँ तो फिर से 24 के चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि अथी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है फिर से बनेंगे? बिल्कुल 100% 110% बनेंगे, 110% बनेंगे। जी 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 110% उनका। नीतीश कुमार भी ताल ठोक रहे हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या कहिएगा? वो तो बस ऐसे ही है, पहली बार उन्होंने काम करवाया था, ये तो सही बात है, पहली बार काम करवाया था उन्होंने, सड़क बनवाया, जो भी कुछ योजनाएं लाए, लेकिन सारे योजना को वो बंद कर दिए। हाँ और क्या किए, क्या कि बस अपना काम वो बनाए, बच्चों के लिए वो क्या किए, क्या कि वर्दी नहीं दिए, वर्दी दे रहे थे पहले, मिल रहा था, वर्दी नहीं दिए, कॉपी किताब मिल रहा था, कॉपी किताब नहीं मिला, वो उनको पैसे मिल रहे थे स्कॉलरशिप, वो भी नहीं मिला। अब विकलांगों के लिए वृद्ध, विधवा, विकलांग, ये तीन हैं जाति, और तीनों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। हालांकि जब आरजेडी की सरकार थी या बीजेपी में ये थे, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि भाई ₹1,000 इनको पेंशन किया जाए, हम भी विकलांग हैं साहब, हम भी विकलांग हैं, लेकिन वो कहे नहीं नहीं और भी हमें काम करना है, तो भैया और काम करो, और काम करो, हम तुम्हारे से। राहुल गांधी यात्रा किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा आप देखे होंगे, कैसा लगा उनका यात्रा? उनका यात्रा तो बस ढकोसला है, ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। उनके साथ कौन जुड़ा था? कोई नहीं, बस उनके पार्टी के आदमी थे, और कोई था? और कोई नहीं था, बस उनके पार्टी के समर्थक लोग थे, भैया जय हो जय हो जय हो कर रहे थे, कोई उनसे जुड़ने वाला नहीं है, सीधी सी बात। विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जी झूठ के मशीन है। अरे कहने दो, विपक्ष वाले तो ऐसे कहते रहेंगे, वो क्या नहीं कुमार भी कहते हैं नीतीश कुमार को, उनको तो मतलब कि झूठों की वो सरकार बोलनी चाहिए, दल बदलुओं की। हाँ जिनको जिनको वो खुर आरजेडी वो क्या कहते थे, पलटू राम कहते थे, हाँ उन्हीं के साथ जा कर के शिफ्ट हो गए, तो भाई उनके तो बात ही करना वो नहीं है। इधर बीजेपी ही आएगी, इधर कोई पार्टी का वो चांस नहीं है, सीधी सी बात। सीमान लोकसभा से किसको देखना चाहते हैं? सीमान लोकसभा से मतलब जो भी आएगा प्रतिनिधि बीजेपी का समर्थन में, जो भी आएगा एनीबॉडी कोई भी हो, उसको हम समर्थन करेंगे, वोट करेंगे और उनको जिताएंगे। बीजेपी से कोई भी आए उसको आप समर्थन करेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी आए, हमको ये नहीं देखना है कि भैया ये नाई है, ये दर्जी है, ये कोयरी है, कहाँ रहे, क्या है, नानू नुनिया है, धुनिया है, हमको ये कुछ नहीं देखना है। अच्छा जो जातीय जनगणना हुई उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं उसको लेकर? जातीय जनगणना ये करवा करके ये अपने गले की हड्डी बनवा लिए हैं, हाँ और इन और ये लड़ाई झगड़ा करवाने का एक सुगुफा छोड़ दिए हैं कि भैया ये आपस में लड़ते रहो, हम अपना उल्लू सीधा करते रहें, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब तो जनता बहुत समझदार हो गई है, हाँ अब उनको वोट देने वाली कोई नहीं है। हाँ बताइए, दारू बंद कर दिए, दारू बंद करके क्या कर लिए, कौन सा विकास कर लिए, क्या दारू नहीं मिल रहा? अब तो होम डिलीवरी हो रही, हाँ
तो बताओ कि मान लिया जाए कि अब इनसे इनकी बातों को क्या लेना देना, बंद कर दिए, बंद कर दिए गुटखा, बंद कर दिए पोलोथीन, बंद कर दिए क्या क्या बंद कर दिए, और सारा कुछ चल रहा है, हाँ सारा कुछ चल रहा है साहब। तो ऐसे इन ऐसे नेताओं को हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, कहेंगे भाई आपने हालात पे जैसा किए हो वैसा भरोगे। एक बार कहे थे वो कि मैं ये रोड बनवाया हूँ, ये किया हूँ, तो उसकी मजदूरी लेने आया हूँ। अब कौन सी मजदूरी लेने आओगे भाई, अब कैसी मजदूरी, जनता ने तुम्हारी मजदूरी दे दिया, दो दो बार दे दिया, हाँ अब तुम्हारे को देने वाली नहीं है कुछ भी, हाँ तुम सीधे से तो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। और देखने दो, सपना देखने की तो साहब कोई आज़ादी है, सपना देखने का क्या बात है, सपना तो हम भी देख लेंगे, हम भी प्रधानमंत्री बन जाए तो सपना देखने की क्या बात है, हर किसी को सपना देखने का अधिकार है। बिहार से हैं नीतीश जी, सपोर्ट नहीं कीजिएगा बिहार से? अरे वो कोई का लंदन से आएगा, दूसरा लंदन से तो आएगा नहीं, वो भी बिहारी से आएगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा वो भी आएगा, बिहारी से आएगा और हम बिहार का जो भी आएगा वो फिर मिलेंगे किसी और क्षेत्र में और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, और कैसा लगेगा कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।